हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेश केडिया और आप पढ़ने जा रहे हैं आईपीसीसी का सबसे ज्यादा खतरनाक टॉपिक और सब्जेक्ट स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। इसमें मैं पढ़ाऊंगा केवल आपके स्टडी मैट से, रेफर करूंगा केवल जनरल वर्ड्स और आपको स्ट्रेटजी बनाना आ जाएगा इस क्लासेस के खत्म होने के लास्ट तक। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि यार, अगर टैक्स पढ़ के हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, ऑडिट पढ़ के हम ऑडिटर बन सकते हैं, अकाउंट पढ़ के अकाउंटेंट बन सकते हैं, तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पढ़ के स्ट्रेटजी बनाना क्यों नहीं सीख सकते। आप पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। पता है, हम लोग फालतू में इस सब्जेक्ट से डरते हैं। स्ट्रेटजी तो हम बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं यार। आप सोच रहे हो कि क्या स्ट्रेटजी बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं? भाई, आप बचपन से बनाते हुए आ रहे हो स्ट्रेटजी। जिस सब्जेक्ट से आप डरते हो वो तो आपने खेला है, उसमें जिंदगी बिताई है, उसमें बनाते बनाते। फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन में क्या सोचते थे? अगर कोई स्टूडेंट आपसे अच्छा मार्क्स ले आता था, आप क्या सोचते थे? यार, इससे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है, कुछ प्लानिंग करो, कुछ ऐसा काम करो, इसको पिछाड़ना है। भाई, जो पिछाड़ना है ना, बस जो उसके लिए काम करते थे वही थी स्ट्रेटजी, वही है यहाँ भी। तो क्यों डरते हो? यही है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी अराइव हुई मिलिट्री से। स्ट्रेटजी का केवल एक मीनिंग है जनरल टर्म्स में, कि सामने वाले को काट के हमें आगे बढ़ना है। भाई, असली वाला काट के नहीं, कॉम्पिटिटर को, मतलब कॉम्पिटिटर से हमें आगे निकलना है, जैसा आप बचपन से करते थे। तो मिलिट्री में भी क्या होता है कि हमारा दुश्मन हमारे ऊपर नजर जमाए रहता है, हमें उससे आगे निकलना होता है, उससे बचना होता है, उसको पछाड़ना होता है। इसीलिए इसमें कहा जाता है कि ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। तो स्ट्रेटजी का मीनिंग क्या दिया हुआ है बुक में, या क्या होता है स्ट्रेटजी का मीनिंग? स्ट्रेटजी इज एनालिटिकल थिंकिंग, परफेक्ट फ्यूचर प्लानिंग एंड कमिटमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज इनटू मैसिव एक्शन। बस यार, इतना सिंपल सा मीनिंग है कि आपको सोचना है, जैसे कि आप बचपन में सोच रहे होते थे कि इसको निकलना है, आगे निकालना है, इससे आगे निकलना है, तो आप सोचते थे क्या, कब, कैसे, कितना काम करें कि हम इससे आगे निकल जाएं। तो इतना सोचने में भाई थोड़ा सा एनालिटिकल आ गया ना काम। मीनिंग क्या हुई इसकी? पूरी मीनिंग ही यही है, आपको एक एक वर्ड की मीनिंग समझनी है और कुछ नहीं, बस क्या, कब, कितना, कैसे, यही सोचने में को ही तो कहते हैं एनालिटिकल थिंकिंग। परफेक्ट फ्यूचर प्लानिंग, गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है बॉस। आपने अगर एक भी गलती करी, आप गिर जाओगे नीचे सीधे धड़ाम से। एक सपोज आप मिलिट्री में हो, ठीक है, आपने गलती कर दी सामने वाले से को पहचानने में, तो क्या होगा? आएगा भाई, आपको मार के चला जाएगा, खत्म, हमारी कंट्री चली गई। भाई, हमारे पास तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसीलिए यही चीज आपका ये वर्ड कह रहा है कि कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। कमिटमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज इनटू मैसिव एक्शन, मतलब अब सपोज, चलो एग्जांपल चल रहा था मिलिट्री का, तो चलो मिलिट्री का ही ले लेते हैं। ऑल रिसोर्सेज, क्या 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 रिसोर्सेज हो सकते हैं मिलिट्री के पास? उनकी ट्रूप्स हो सकती है, वेपन्स हो सकते हैं, उनके लिए तो यही हो गया ना रिसोर्सेज। अगर इसमें से कोई भी रिसोर्स परफेक्टली काम ना करे, मतलब मन लगा के काम नहीं करे, लाइक आपका ट्रूप है आपका साथ ना दे, आपके पास वेपन्स नहीं हो, आप कैसे जीत पाओगे सामने वाले से? पूरा मीनिंग यही है, मतलब आपको क्या करना है, कैसे करना है, बिना गलती के, और सारा सब कुछ झोंक दो, वही को कहते हैं स्ट्रेटजी। ओके, आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। अब एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि समझते हैं स्ट्रेटजिक और प्लानिंग सेम है। तो भाई, स्ट्रेटजिक और प्लानिंग सेम नहीं है। स्ट्रेटजी में प्लानिंग इंक्लूड होती है, लेकिन स्ट्रेटजी बहुत वास्ट टर्म है प्लानिंग से। तो आइए चलिए समझते हैं कितना वास्ट है। देखो, स्ट्रेटजी किस लिए बनाई जाती है? अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। प्लानिंग किस लिए की जाती है? कि पर्टिकुलर टास्क कम्प्लीट हो, मतलब ऑब्जेक्टिव क्यों? आंसर आपको पूछना चाहिए, क्यों ऑब्जेक्टिव के लिए क्यों? भाई, ऑब्जेक्टिव जो भी है बिजनेस का, आप मतलब आप कैसा चाहते हो आपका बिजनेस कैसा हो, तभी हो पाएगा ना, जब आप अच्छे से काम करोगे। और वो पर्टिकुलर टास्क जो होता है उसको कहते हैं प्लानिंग। फॉर एग्जांपल नेविगेशन, लाइक आपको कहां से कहीं जाना है, इस डेस्टिनेशन से इस डेस्टिनेशन, अगर आप नेविगेशन का यूज करते हो तो ये हो गया पर्टिकुलर टास्क यहां पहुंचने का। आप जैसे पूरा करते हो, ये हो गया प्लानिंग कि कैसे जाएंगे, कार से, बस से, कैब से, वो हो गया प्लानिंग। अब ऑब्जेक्ट, और ये किस लिए? ये बनाया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, और ये बनाया जाता है सर्कमस्टांसेस। दोनों इंटरलिंक्ड है बॉस, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। ऑब्जेक्टिव कैसा होगा? लॉन्ग टर्म के लिए होगा ना, उसको पाने में टाइम लगेगा। स्ट्रेटजी बनाई जाती है ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, मतलब बिजनेस कहां पहुंचना चाहिए उसके लिए। तो
पहुंचने में टाइम लगेगा आपको, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म। सरकम इस पर्टिकुलर टास्क से कनेक्ट करो आप सर्कमस्टांसेस, लाइक नेविगेशन हो सकता है आपका या और कोई भी टास्क हो सकता है। तो ये हो गया स्ट्रेटजी वर्सेस प्लानिंग में क्या डिफरेंस है। स्ट्रेटजी कौन बनाता है, चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, टॉप लेवल, मिडिल लेवल या बॉटम लेवल, बॉस तीनों मिलके बनाते हैं स्ट्रेटजी। अगर तीनों इन्वॉल्व नहीं हुए हमारी स्ट्रेटजी चल नहीं पाई। टॉप लेवल क्या होता है, स्ट्रेटजी बनाता है। टॉप लेवल कौन हो गया, मैनेजर्स, मिडिल लेवल दोनों को कनेक्ट करता है, और बॉटम लेवल इंप्लीमेंट तो भाई इसी को करना है ना। अगर इससे आप नहीं पूछोगे कि प्रॉब्लम कहाँ, मतलब किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, मतलब कहा जाता है ना कि जो है तुमको क्या पता मुझे कैसे काम करना पड़ता है, यही होता है भाई बॉटम लेवल। अगर टॉप लेवल कुछ भी उल्टा सीधा बना दिया स्ट्रेटजी रेगुलेशन, तो बॉटम लेवल क्या कहेगा, भाई तुमको क्या पता हमें काम कैसे करना पड़ता है, मतलब हमारी भी तो परेशानी को समझो ना। तो वो परेशानी वो डायरेक्ट टॉप लेवल से तो बोलेगा नहीं, वो मिडिल लेवल से बोलेगा। फिर मिडिल लेवल कहेगा, सर मैनेजर सर थोड़ा सा अगर आप कोशिश कर सको कि बॉटम लेवल मेरा दिमाग थोड़ा कम खाए। पूछेगा क्या बोल रहे हो, मैनेजर पूछेगा क्या सर आप थोड़ा सा, मतलब बॉटम लेवल क्या करेगा, मिडिल लेवल से बोलेगा, मिडिल लेवल के थ्रू टॉप लेवल पे जाएगा, तो मिडिल लेवल को परेशानी हो जाएगी। अगर सपोज तीनों लोग एक साथ काम करें, लाइक एक बंदा आ जाए बॉटम लेवल से, एक मिडिल लेवल से और एक टॉप लेवल पे, तो सभी होंगे। अगर वो मिलके जो है स्ट्रेटजी बनाए तो कितना अच्छा स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन हो। ओके, व्हाट इज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, पूरा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट आपका 50 नंबर का केवल 4 वर्ड पे टिका हुआ है जो आपको हैरान करे रहता है। वो 4 वर्ड कौन कौन से हैं, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव और गोल। विजन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, देखना। अब आप इसको कनेक्ट करो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट से, क्या देखना कि हमारी कंपनी आगे कहां पर होगी, भाई ये हो गया विजन। मिशन का क्या मीनिंग होता है, कि एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट किसी ऑथराइज्ड बंदे को दे दिया गया। इंपॉर्टेंट असाइनमेंट क्या हुआ, जो विजन को छोटा छोटा हमने पार्ट किया वो हो गया मिशन, और उस जो दे दिया गया इस पर्टिकुलर बंदे को वो हो गया मिशन। ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, जो छोटे छोटे टास्क थे ना उनको कंप्लीट करना, अब हो गया ऑब्जेक्टिव। गोल, अगर विजन को पा लिया तो हो गया गोल। मतलब मैं आपको बताता हूं, सपोज ये देखा था हमने अपना विजन, ये क्या था विजन आपका, ये देखो थॉट भी बना दिया को, जो छोटा छोटा इंपॉर्टेंट टास्क में बांट दिया, ये 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 हो गया आपका मिशन। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो हमने मिशन सेट किया था ये इसको पाना है, टारगेट यही है, ये टारगेट है, इसी को पाना है, यही है हमारा ऑब्जेक्टिव। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, मतलब ये देखो आपका मिशन कंप्लीट हो गया, मिशन क्या था विजन का पार्ट था, टारगेट आपने क्या किया विजन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, वो हो गया मिशन। मिशन को अगर हमने कर लिया, करना था वो हो गया ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव को हमने अचीव कर लिया तो हो गया वो गोल। मतलब सिंपल सा मतलब है, विजन जो हमने देखा था अगर पा लिया तो हो गया गोल, मिशन को कैसे करना है वो हो गया ऑब्जेक्टिव। इतना सिंपल सा मीनिंग है इसका, बस इसी पर ही है पूरी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। तो अब इसको पूरा सम अप कैसे करेंगे, जो देखा था विजन पा लिया तो हो गया गोल, जो था मिशन उसी को पूरा करना था ऑब्जेक्टिव, खत्म हो गया आपका स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। अरे जाना नहीं है भाई, ये मीनिंग आपकी खत्म हो गई। अब आपको आगे पढ़ते समय कोई डाउट नहीं होगा, पूरा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पढ़ लिया और आपको पता नहीं है कि स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, तो यार फिर पूरी मेहनत करने का फायदा ही क्या हुआ। तो चलिए समझते हैं कैसे बनाते हैं स्ट्रेटजी। सबसे पहले उसके लिए करना पड़ता है स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो मेरे साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो आदत डाल लीजिए, क्यों अब बात आती है कि केवल ये चार ही स्टेप है और उसमें है स्टडी एंड एनालाइज ऑफ एनवायरनमेंट। आपने ये विजन बना लिया, ठीक है, क्या घर पे बैठे बैठे आपका पूरा हो जाएगा या कंपनी के अंदर बैठा बैठा पूरा हो जाएगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जब आप बाहर निकलोगे तो बाहर आपको समझना पड़ेगा कि भाई कि एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, बाहर की जो सराउंडिंग है उनमें कस्टमर कैसे है, सप्लायर कैसे है, कॉम्पिटिटर कैसे है। सबसे पहले एनवायरनमेंट को समझना होगा हमें कि वो हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं। जब तक आप एनवायरनमेंट को नहीं समझोगे तब तक पता कैसे चलेगा किस डायरेक्शन में जाना है। अब बाहर आप निकल गए, ऐसा तो है नहीं कि वो काम हो, बाहर निकले आप तो आपको पता चला कि यार हो सकता है आपको पता चले कि यार जो हम कर रहे हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो तो बाहर भी कर रहा है। तो क्या है कंपटीशन एनालिसिस, अपने दुश्मन को पहचानना है, हमें पहचानना है कि वो कौन है उसके पास क्या है और वो कितना नुकसान कर सकता है हमें। इतना करने के बाद फॉर्मुलेशन करो, स्ट्रेटजी बनाओ और इम्प्लीमेंट कर दो। हमारे यहाँ कहा जाता है फॉर्मुलेशन
लेजिस्लेशन कितना भी अच्छा हो, अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो क्या फायदा। मतलब आपने मैच से पहले प्रैक्टिस खूब करी, ठीक है, और मैच में अगर परफॉर्म नहीं किया तो आपकी टीम कैसे जीते। तो यही है स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, यही है आपके चैप्टर्स। ये है आपका चैप्टर 1 एंड 2, ये है आपका चैप्टर, ये है आपका चैप्टर 3, ये है आपका चैप्टर 5, ये है आपका चैप्टर 6। मतलब पूरा इसी पे डिपेंड है। मैंने एक तरह से आपके पूरे सिलेबस का ओवरव्यू दे दिया इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस बात इतनी ही। अगले वीडियो में हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि पूरी क्लास अभी बाकी है और गारंटी मेरी है कि स्ट्रेटजी बनाना आपको आएगा इस क्लासेस के लास्ट। थैंक यू।